त्योहारी सीजन को देखते हुए दुर्ग व्यापारी संघ ने दुर्ग महापौर से चर्चा की। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे व्यवस्थित रखें, इसको लेकर भी चर्चा की गई। दुर्ग पुलिस विभाग और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं नगर निगम की संयुक्त बैठक में आगामी त्योहार में बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान चर्चा में शहर के बाजारों में ट्रैफिक के साथ साथ पार्किंग व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दुर्ग पुलिस यातायात विभाग ने महापौर धीरज बाकलीवाल और आयुक्त लोकेश चंद्राकर सहित अन्य लोगों ने त्योहार पर होने वाली पार्किंग की दिक्कतों से रूबरू कराया और शहर में कहां पर पार्किंग स्थल बनाया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में दुर्ग महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मिलने आए थे और एक संयुक्त बैठक बुलाई गई थी जिसमें सीएसपी थे, डीएसपी ट्रैफिक थे, सीएसपी साहब हमारे कमिश्नर साहब से, नगर निगम के बाजार अधिकारी थे। हम लोगों ने एक बैठक बुलाई और सबकी मंशा यही है कि दुर्ग शहर में सुगम पार्किंग की व्यवस्था की जाए क्योंकि सामने त्योहारी सीज़न है। त्योहारी सीज़न को देखते हुए एक बैठक हम लोग बुलाए थे कि जो हमारे व्यापारी भाइयों को पार्किंग की सुविधा अलग अलग स्थान हम लोग चयन किए हैं कि जो ग्राहक आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो और हम सब की मंशा यही है कि दुर्ग शहर में व्यापार अच्छे से चले और लोगों को आवागमन यहाँ सुगम हो। तो चैम्बर वालों ने कुछ विशेष मांग की? चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने पार्किंग के अलग अलग स्थान सुझाव दिए हैं। हम लोगों ने भी, हमारा एक टीम जाके उस स्थल को चेक करके और 3 या 4 जगह हम लोग अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।